हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जेबी माथुर मौजूद हैं। मैडम, आज जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जनतंत्र बचाओ रैली है वो कर रही हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी है। इतनी धूप हो रही है, क्या कुछ कहना है? हमको धूप कुछ मतलब ही नहीं है। हम राहुल जी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हम पूरी कुछ भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग नो मैटर व्हाट। इवन व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज राहुल गांधी जी इज लाइक दैट। राहुल गांधी जी इज रेडी टू डू एनीथिंग, ही इज नॉट स्केर्ड, he is not scared of jail, he is not scared of disqualification, he is not scared of all the kind of situations that these people do, because he believes it is his duty to fight for this country and for the democracy, to have the democracy sustained in this country. And who is Rahul Gandhi? Rahul Gandhi is the one whose great grandson 3,259 days in jail, Pandit Jawaharlal Nehru for this country. So क्या 2 साल का जेल क्या है राहुल गांधी जी के लिए? कुछ भी नहीं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कह रही है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हमको देश का जनता ये जानते हैं, ये लोकतंत्र खत्म करने के लिए का एक स्टेप है ये राहुल गांधी जी का ऊपर जो कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कितना भी लोग है उसके ऊपर ईडी सीबीआई पुलिस इस तरह का कुछ भी करेगा, ये सब लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम पॉलिटिकली हम स्ट्रीट में जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो हमारा ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो हम लोगों से कहना चाहते हैं हम कहते रहेंगे। अगर देखिए अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी को वीर सावरकर अगर बनना है तो 10 जन्म लेंगे तो भी नहीं बन पाएंगे, कैसे? अनुराग ठाकुर, इवन इफ ही इज टेक बर्थ 100 times, ही कैन नॉट बी राहुल गांधी। मैम, आज राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो गुजरात सूरत पहुंचे हैं, क्या कुछ कदम वहां पर रहने वाले हैं? हायर कोर्ट में आप लोग अपील कर रहे हैं? वो तो हम जुडिशियरी को रेस्पेक्ट करते हैं, राहुल जी जुडिशियरी को रेस्पेक्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी जुडिशियरी को रेस्पेक्ट करते हैं, तो लीगली व्हाट आर द प्रोसीजर अवेलेबल वो अवेल करेंगे। आज भी जो है वो संसद नहीं चलने दिया, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये संसद नहीं चलने दिया मतलब का मतलब नहीं, हम वहाँ भी जेपीसी मांग रहे हैं अदानी इश्यू पर, आज भी 257 नोटिस हमने आज भी दिया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में दिया था, बाकी हमारा एमपी दिया था, लोकसभा में दिया था, बट वो सुनते ही नहीं, उसको सिर्फ अदानी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन हम लोग ये घोटाला लोगों को सब मालूम है वो ओपन एक्सपोज करने के लिए हम भी कुछ भी करेंगे। मैम, अगले क्या कदम रहेंगे? जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र बचाओ मार्च है वो निकाला जा रहा है, अगले क्या कदम रहेंगे? हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट विल बी देयर, एक है मशाल रैली नाइट प्रोटेस्ट, हम केरला में भी अब किया था, जय भारत भी कर रहे हैं, देश में पूरा जय भारत सत्यमेव जयता कर रहे हैं, तो पूरा एक सीरीज होगा, लेकिन हम वी विल नॉट बैक ऑफ, वी विल कंटिन्यू आवर फाइट। बातचीत करने के लिए तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जेबी माथुर, कैमरा पर्सन निशान के साथ जगदीश 7 न्यूज दिल्ली।